श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन के कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति ही लेकर आती है। इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। दोस्तों इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में आठवें स्थान में रहेंगे। इस जगह पर चंद्रमा का होना ठीक नहीं होता है। इस समय में आपको कई मामलों में तकलीफें उठानी पड़ सकती है, लेकिन कुछ मामलों में सफलता भी इस दिन देखने को मिलेगी। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से इस दिन आपका मन परेशान रह सकता है, चिंतित रह सकता है। आप किसी पुरानी उलझन में उलझे नजर आओगे। इस समय में किसी अपने की याद भी आपको सता सकती है। इस समय में आप इमोशनली काफी वीक रहोगे। जी हाँ, इस समय में आप इमोशनली काफी वीक रह सकते हैं। किसी से भी मनमुटाव बड़ी आसानी से हो सकता है। इस समय में आपको लड़ाई झगड़ों से बचना होगा, पारिवारिक कलह क्लेश से बचना होगा। इस समय में आप अकारण ही दुखी हो सकते हो और आपके आसपास के लोगों को आप अपने स्वभाव व कटु बोली की वजह से दुखी कर सकते हो। इसलिए आज आप शांत रहे और अपने कामों में व्यस्त रहे। पैसों का लेन देन करना इस दिन ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अचानक से धन प्राप्ति के योग अष्टम भाव आपको दे रहा है। दोस्तों चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से आपको वहां से धन प्राप्त हो सकता है जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं था। इस समय में कोई ऐसी डील साइन हो सकती है जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, और वो काम जिसे लेकर आप कॉन्फिडेंट है उसमें असफलता भी आपको दिख सकती है। इस वजह से सरप्राइज इस समय में मिल सकता है। वो सरप्राइज अच्छा भी हो सकता है और वो सरप्राइज आपको दुखी भी कर सकता है। इसलिए ये दिन आपको सावधानी पूर्वक निकालना जरूरी होगा। इस समय में आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, तो आपको सावधानी बरतनी काफी जरूरी रहेगी। इस समय में यात्राएं भी संभल कर करनी होगी। चोट लगने के योग भी बन रहे हैं। इस समय में सेहत से संबंधित परेशानी भी घेर सकती है। सिर में दर्द रह सकता है, पाचन शक्ति कमजोर रहेगी। इस समय में अगर बीपी की परेशानी है तो अपना खास ख्याल जरूर रखें, अपने मेडिकेशन का अच्छे से ध्यान रखें और अपने खाने पीने का ध्यान इस दिन आपके लिए रखना बेहद जरूरी है। इस दिन के लिए अगर कोई प्लान बनाए हैं तो उसमें असफलता मिल सकती है, तो थोड़ा सावधान रहे, उपाय जरूर करें ताकि दिन आपके लिए बेहतर बन सके। ये जानकारी आपको सतर्क करने के लिए है। पहले से ही उपाय कर ले तो हो सकता है दिन बहुत बढ़िया जाए। स्टूडेंट्स के लिए भी ये दिन कुछ खास नहीं रहेगा। पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई रुकावट आपको डिस्टर्ब कर सकती है। आज अगर आप चंदन या केसर का तिलक अपने माथे पर लगाते हो तो आप शांत रहोगे, आपका मन शांत रहेगा, सिर दर्द भी नहीं होगा, दिन काफी अच्छा जाने की संभावना रहेगी। तो आज चंदन का टीका अपने माथे पर जरूर लगाएं। अगर पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं, तो लव रिलेशनशिप में आपको इस दिन अपनी बोली पर नियंत्रण रखना काफी जरूरी रहेगा। इस दिन आपको तोल मोल कर बोलना अच्छा रहेगा और एक दूसरे की गलतियों को इस दिन नजरअंदाज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आप कोई बड़ा अहम फैसला ना ले, थोड़ा रुक जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस समय में आपको विदेश से धन कमाने का अच्छा मौका मिल सकता है। विदेश सेटलमेंट के भी योग अष्टम भाव आपको जरूर देता है। दोस्तों इस दिन ऑरेंज रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा और 9 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों प्रार्थना में किसी भी उपाय से ज्यादा शक्ति होती है, तो अपने इष्ट देव को याद करें, उनका आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपका ये दिन काफी अच्छा रहे, मौज मस्ती भरा रहे। दोस्तों साथ ही इस दिन मंदिर जरूर जाए और भगवान से प्रार्थना करें और साथ ही 1 रुपए का सिक्का मंदिर के मुख्य गुल्लक में डालना ना भूलें। इन उपायों से आपका दिन काफी अच्छा जाएगा। अपनी सोच पॉजिटिव रखें और जीवन के हर पल का आनंद लेने की कोशिश करें। आइए अब जानते हैं अगले दिन का राशिफल। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ये दिन आपके लिए कई मामलों में अच्छा साबित होगा और इस दिन आपके लिए कई मामलों में सतर्कता भी बरतनी पड़ेगी। इस दिन को आपको अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। आपका रुका हुआ पैसा इस दिन आपको मिल सकता है। उन पैसों की जिनकी आप कई दिनों से वेट कर रहे थे, वो आपका पैसा जो कहीं पर फंसा था वो इस दिन आपको मिल सकता है। इस समय में आपको विदेश यात्रा से लाभ होगा। अगर आप विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं तो इस दिन शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग आईएएस के एग्जाम देना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारियां कर रहे हैं, पढ़ाई से जुड़ी कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा।
इस समय में स्वास्थ्य का ख्याल आपको जरूर रखना है। बीमारियां आपको घेर सकती है, वात रोग, रक्त विकार आदि में कष्ट मिलने की संभावना रहेगी। इस समय में आपके शरीर में एनर्जी की कमी भी रह सकती है। अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति पारिवारिक कलह क्लेश बढ़ा रही है। आपको इस दिन क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। तोल मोल कर बोलिएगा, नहीं तो आपकी किसी से इस दिन लड़ाई हो सकती है। घर परिवार में शांति बनाए रखने की कोशिश जरूर करें। इस समय में यात्राएं संभल कर करनी होगी। यात्राओं में रुकावटें आने की संभावना है, यात्राओं में चोट लगने की भी संभावना है। दोस्तों, इस समय में यात्राएं करते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा। अगर जरूरत ना हो तो ऐसे समय में व्यर्थ की यात्राएं नहीं करनी चाहिए, और अगर यात्राएं करनी ही है तो जरूरत की सारी चीजें साथ लेकर जाएं। इस समय में विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। विद्यार्थियों के लिए उपाय करना इस समय में जरूरी है, क्योंकि इस दिन अगर कोई एग्जाम या कॉम्पिटिशन आती है तो मेहनत ज्यादा करनी होगी, तब जाकर आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। इस समय में अपने कार्यक्षेत्र में आपको धैर्य रखना चाहिए। इस समय में काम का बोझा भी आप पर ज्यादा रहेगा, लेकिन धैर्य रखोगे तो आपके लिए समय शुभ रहेगा। नहीं तो आप इस समय में कोई गलती, कोई लापरवाही कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो इस दिन आपके ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा रह सकता है। स्वभाव में चिड़चिड़ाहट नजर आएगी। आपको भी क्रोध से बचना होगा। संतान या फिर आपके दाम्पत्य सुख में कुछ परेशानियां भी इस समय में आ सकती है, जिसकी वजह से आप इस समय में मानसिक चिंताओं में घिरे रह सकते हो। इस समय में अपनी चीजों का खास ख्याल आपको रखना होगा। इस समय में कीमती चीजें गुम हो सकती है, चीजों की चोरी होने की संभावना भी है। इस समय में अगर कोई कागजी कार्रवाई करनी है तो वहां पर भी आपको सतर्कता बरतनी जरूरी होगी। कोई भी काम बिना देखे बिना परखे ना करें। दोस्तों, इस दिन आपके स्वभाव में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आप इस दिन निगेटिविटी से घिरे रह सकते हो। किसी भी काम में आपका पूरा मन नहीं लगेगा, इसलिए उपाय जरूर करें। इस दिन आपके लिए ऑरेंज रंग का इस्तेमाल करना शुभ रहेगा, और 9 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। साथ ही इस दिन आप हरे रंग का उपयोग भी करते हो तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। दोस्तों, अगर इस दिन आप घर से किसी काम के लिए निकलते हो तो 4 हरी इलायची अपने जेब में ले लीजिए, इससे आपको फायदा होगा। अगर आप इस दिन हरी मूंग की दाल, इलायची या हरे कपड़े का दान करते हो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सकती है, इससे आपका दिन शुभ रहेगा। कामों में सफलता मिलेगी और मन शांत रहेगा। इस दिन मंदिर में भगवान का दर्शन करने जरूर जाए, और मंदिर के मुख्य गुल्लक में 1 रुपए का सिक्का जरूर डाले। आइए अब जानते हैं अगले दिन का राशिफल। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, आज चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया रहेगी। आज चंद्रमा आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में है। इस दिन आप शांत रहोगे, स्थिर रहोगे, ऊर्जावान रहोगे, और आपको दिन भर प्रसन्नता की अनुभूति रहेगी। ये दिन आपके लिए अपने परिवार जनों के साथ किसी टूर पर या किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग करने के लिए काफी अच्छा है। इस दिन यात्राएं करना भी आपके लिए काफी शुभ रहेगा, लाभदायक रहेगा। अगर करियर की बात करें तो ये समय आपके लिए काफी बिजी रहेगा। काम का बोझा ज्यादा रहेगा, कोई एक्स्ट्रा काम भी करना आपको इस समय में पड़ सकता है। ये सारे काम आप आसानी से कर पाओगे। स्टूडेंट्स को अच्छे समाचार इस समय में मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना बनी हुई है। बिजनेस करने वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। करीब करीब सारी चीजें आप ही के हिसाब से होती हुई दिखाई दे रही है। भविष्य में अगर आपको कोई नया व्यापार शुरू करना है तो उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। नया व्यापार इस समय में शुरू करने के योग भी बन रहे हैं। अगर पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ के लिए आपके सितारे इस समय में स्थिरता व शांति फैला रहे हैं। लव लाइफ के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। समय थोड़ा बिजी चल रहा है, फिर भी साथ वक्त गुजारने के लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए दिन पूरी तरह से सकारात्मक है। मानसिक तौर पर आप फिट रहेंगे। फिजिकली भी आज आपकी सेहत बढ़िया रहेगी। कुछ सेहत से जुड़े प्रॉब्लम्स जो काफी समय से सता रहे थे, उनमें भी आपको आराम इस समय में मिल सकता है। इस दिन पीले रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और इस दिन 3 अंक आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है, इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।